मॉर्निंग पीपल, आप सबको गुड मॉर्निंग और नमस्ते मेरी तरफ से। आज सुबह सुबह मैं सोचा कि चलो मैं लाइव जाती हूँ और मैं जो भी आज करती हूँ मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। आज लाइक करीबन अभी 6:20 हो गया होगा, हम पीटी के लिए तैयार हो गई हूँ, पीटी के लिए आई हूँ। हम वॉकिंग कर रहे हैं, दौड़ तो दे पाएंगे क्योंकि मेरा पीटी है, इसके लिए कट कट ठीक है डीलाइट टटन टटन टटन, तो इसलिए दौड़ नहीं पाएंगे, इसको ऐसे करके दौड़ना पड़ेगा तो खराब दिखेगा गाइस, तो कैमरा मैन हंस रही है तो या इसको कट करना, तो हम दौड़ नहीं पाएंगे तो वॉकिंग कर रहे हैं। और आज कुछ प्रोग्राम है 10 बजे, तो उसके लिए यहाँ पे ना कुछ लोगों फूल तोड़ रहे हैं जो मुझे बहुत दुख लग रहा है, फूल तोड़ रहे हैं नज़ारा देखिए कितना सुंदर नज़ारा है गाइस, लुक एट द व्यू। हम जब भी ड्यूटी से आते हैं ना गाइस, थक के आ जाते हैं या प्रेशराइज करके आ जाते हैं हम लोग ना, मेंटली प्रॉब्लम्स होके आ जाते हैं, तो ये गार्डन नहीं है ना, ये जितना नज़ारा इसको देख के ही हम रिलैक्स फील, अपनापन और एकदम ठंडा सा लगता है। तो या यही सब कुछ है, बस यहाँ से ड्यूटी, ड्यूटी से रूम, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे, ना मार्केट बाहर जा सकती हूँ। यहाँ पे एक है जयपुर, ये मत सोचना गाइस राजस्थान वाला पिंक वाला सिटी, ना नो 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 नो, ये है ब्लैक सिटी। तो इधर हम जाते हैं, कल गए थे तो पूरे दुनिया ना ऐसे देख रहे थे कि जैसे कि मैंने उसका पति को छीन लिया, मुझे ऐसे देख रहे थे। बाय गाइस छोड़ दो, कोई बात नहीं, तो इसलिए अभी 10 बजे जो भी प्रोग्राम होगा मैं कंटिन्यू करूँगी इस ब्लॉग पे, सो स्टे ट्यून एंड देन थोड़े आप लोग भी नाश्ता कीजिए, फ्रेश अप कीजिए, उठिए, जो भी काम है पूजा वूजा जो भी है कर लेना, ओके बाय। बहुत धूप है बाहर, तो मैं जो प्रोग्राम बोली थी 10 बजे तक प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया, मैं उसको वीडियो पे ऐड नहीं कर पाई क्योंकि मैं यूनिफॉर्म पे थी, सो मैं यूनिफॉर्म को अभी इतना जल्दी आप लोग के सामने लेके नहीं आना चाहती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ, नहीं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ मेस में, उधर मेस में खाना पकाया कि नहीं पकाया, और एक हमारा सीनियर दीदी है जिसके रूम पे मैं गई थी। आज सोची कि चलो नाइट ड्यूटी है, अकेला रूम पे क्या करूँगी, बोर हो जाऊँगी, तो उन लोग के साथ ही बैठ के कुछ ना कुछ प्लान करके खा के इंजॉय करूँगी। तो भैया मैं जा रही हूँ, खाना पकाया नहीं पकाया देखूँगी, और उसके बाद दीदी लोग के साथ मिल के खाना खाऊँगी, और अंडा लाया, ऑमलेट भी बनाऊँगी क्योंकि आज इधर मेस में कुछ स्पेशल नहीं है, हमारा मेस का गार्डन है। तो यह मैं इसमें जा रही हूँ, मैं दिखाती हूँ अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। देखो हेल्प कर रहा है, कुछ नहीं है, हम ये खाना लेने हैं, हेल्प कर रहे हैं, जल्दी जल्दी दिखा दो, कढ़ाई में उसको डालना रोटी को। ये हमारा मेजर है, बहुत अच्छा खाना बनाता है। नहीं अच्छा नहीं है, बुरा अच्छा है। फाइनली गाइस मैंने ले लिया है टिफिन में से आज कुंदरी, और उसके बाद आलू की सब्जी और दाल बना हुआ और दही, तो आज इसके साथ एंजॉय करेंगे हम लोग रूम पर, तो या मजा आने वाला है। तो फाइनली गाइस हो गया है मेरा लंच और मैं जा रही हूँ अभी कैंटीन, मुझे कुछ सामान खरीदना है, और फ़ोन आया था कि नया सामान आया हुआ है कैंटीन पे, तो मैं जा रही हूँ कैंटीन, मुझे कुछ साबुन, सर्फ, यू नो परफ्यूम्स वगैरह या कुछ भी जो भी अवेलेबल है, जो चीज़ें मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत है हॉस्टल पे, तो मैं वो ख़रीदने जा रही हूँ। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे ही समाप्त करती हूँ, और आप लोग सबको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग को, अनटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड देन आप एक दूसरे को बस प्यार करते रहिएगा, एंड देन सी यू, बाय बाय, टाटा।